तो दोस्तों, हाल ही में हमने पिछली वीडियो में बात किया था कैसे राजस्थान को तीसरी वंदे भारत की सौगात इतनी जल्दी मिलने वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान को मिलने वाली पहली, दूसरी नहीं, तीसरी वंदे भारत भी नहीं, बल्कि चौथी वंदे भारत की सौगात इतनी जल्दी मिलने जा रही है। क्या होगी इसकी रूट, क्या होगा किराया, कब होगा इसका इनोग्रेशन, क्या यह केसरिया वंदे भारत होने वाली है, आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपकी एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करेगी। नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं डीडी। दोस्तों, मौजूदा समय में तीन वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिनके रूट की बात करें तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से साबरमती, वहीं दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर से उदयपुर और तीसरी जयपुर से दिल्ली के बीच चल रही है। भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार यात्रियों की सुविधा पे काम किया जा रहा है और राजस्थान के यात्रियों के लिए रेलवे ने अब चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि राजस्थान में वंदे भारत की इतनी हाई डिमांड है कि ऑलमोस्ट रोज राजस्थान की इन तीनों रूटों पर चलने वाली वंदे भारत 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है और अब वंदे भारत की चौथी सौगात राजस्थान को दी जा रही है। बात करें इनके रूट के बारे में तो इसे जयपुर से चंडीगढ़ के बीच चलाया जाएगा और इसी तरह से यह वंदे भारत ट्रेन हरियाणा की भी दूसरी वंदे भारत ट्रेन बन जाएगी। हालांकि ट्रेन कब से शुरू होगी और इसका किराया क्या होगा, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वंदे भारत किराए के एक चार्ट के मुताबिक राजस्थान की इस चौथी वंदे भारत की किराया का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि 100 किलोमीटर दूरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयर का किराया 301 रुपए है और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 634 रुपए है। वहीं 500 किलोमीटर के लिए 921 रुपए एसी चेयर का किराया है और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1880 रुपए है। और अब बात करें तो जयपुर से चंडीगढ़ की दूरी तो वो करीबन 592 किलोमीटर है, तो जयपुर से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली इस चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया भी एसी चेयर कार सहित करीबन 1000 रुपए, तो वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का 2000 रुपए हो सकती है। एक लीक के मुताबिक दावा है कि जयपुर से इस ट्रेन को जल्द ही शुरू किया जा सकता है और चौथी वंदे भारत उन तीनों ट्रेनों से अलग होगी जो कि पहले ही राजस्थान में चलाई जा रही है। हमने आपको बताया था भगवा और ग्रे कलर की थीम वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पटरियों पर उतर गई है। इसी सिलसिले में कुछ हफ्ते पहले रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोच फैक्ट्री का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने नई नारंगी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण भी किया था और अब उसका फाइनल सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। सो हो ना हो, केसरिया वंदे भारत एक्सप्रेस ही यहां देखने को मिल सकती है, जो कि राजस्थान की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकती है और अब तक की तीनों वंदे भारत से अलग भी होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं राजस्थान की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, हमें अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।